हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो भगवान की दुआ से। मैं भी आप लोगों की दुआ से अच्छी हूँ। तो आप सबको नेहा चौधरी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं सुबह अभी कितना 6:45 तो मैं सोचा चलो क्यों ना आप लोगों से बात कर लेती हूँ। देखो लाइटर में धोखा दे दिया, नहीं जल रहा है। तो मेरा दूध गर्म हो गया, अभी मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। सुबह का नाश्ता बनेगा तो बाबू अभी स्कूल जाएगा, तो अभी मैं सुबह नाश्ता बनाऊंगी। अभी ये मसाला वाला मैंने आटा लगा लिया है, इसमें मैंने थोड़ा धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, खाली मैं 4 परोठा बनाऊंगी। तो 4 परोठा के लिए मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, अपना अंदाज से जितना चाहिए उतना नमक आपके हिसाब से, और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। तो आप चाहो तो आप इसमें ये भी डाल सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, हरा मिर्ची, कांदा, लहसुन डाल सकते हो। तो मैं इसमें नहीं डालूंगी और ना मैं कदम भी डालूंगी, बोलेगा तो धनिया पत्ता डालूंगी, क्योंकि अगर मैं ये सब डालती हूँ तो गरम गरम खा लेगा तो अच्छा लगता है। अब ये तो मैं बनाऊंगी, बच्चा स्कूल लेके जाएगा, खाएगा तब तो ठंडा हो जाएगा, तो ऑनियन की वजह से खट्टापन आ जाएगा उसमें, क्योंकि ऑनियन थोड़ा कच्चा रह जाएगा ना अंदर, इसलिए। तो इसलिए मैं वो सब नहीं डालूंगी। तो ये मसाला वाला मैंने आटा लगा लिया है, और इधर मैंने पनीर घिस के मतलब रफ करके ये कर लिया है, ऐसा खुला खुला पनीर को मैंने बना लिया। ये रहा 1/2 किलो पनीर है इधर। तो चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ जो मैं पनीर का परोठा कैसे बनाती हूँ। तो बात क्या है, रोज रोज समझ में नहीं आता है जो सुबह के नाश्ते में क्या दूँ। तो रात को ही मैं सोच के रखी थी जो मैं सुबह पनीर का परोठा बनाऊंगी, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी बोल देती हूँ, है कि नहीं। फिर बाद में दिन में जब भी बात हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन सुबह सुबह आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग कह देती हूँ। मेरे तरफ से आप सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गैस मैंने चालू कर दिया है और परोठा को ऐसा गोल गोल मैंने पहले बेल लिया, ये देखो परोठा को मैंने ऐसा गोल गोल बेल लिया। अभी अभी उसमें आप आपके हिसाब से आपको जितना क्वांटिटी चाहिए आप उसमें पनीर भर देना अंदर। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पनीर डालूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग फिर बनाए तो बाद में बोलते हैं मम्मा परोठा के अंदर पनीर नहीं दिख रहा था। तो ये मैंने पनीर भर लिया, एक परोठा भी खाएगा ना दोस्त तो क्या होता है मालूम है क्या, पेट इंसान का भर जाएगा। तो इसके साथ में आपको सब्जी का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है और बच्चे को हेल्दी नाश्ता भी मिल रहा है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप पहले नमक और हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर से आटा लगा लेना, थोड़ा तेल डाल देना उसमें, उसके बाद में आप इसको ऐसे चौकन शेप में दे देना। इससे अच्छा हेल्दी नाश्ता तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि घर का आटा है। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं आटा पिसवा के लाती हूँ, आटा में मैं चना डालती हूँ, मकई डालती हूँ, थोड़ा सा मेथी भी डालती हूँ मैं। तो अभी इसको हम बेल लेंगे, देख सकते हैं। चलो मैं आपको इसको बेल के दिखाती हूँ। मैं अगर ये ऊपर रखती हूँ फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं, देखो इसको ऐसे आराम से हल्का बेलना है, क्योंकि नहीं तो अंदर पनीर है और तो थोड़ा ऐसा फट तो जाएगा ही, तो बाहर आ जाएगा। अगर आप दबा के बेलोगे तो बाहर आ जाएगा वो, तो ऐसा इसको हल्का हाथ बेलना है। आप पलटी मारने से अच्छा ऐसा घुमा घुमा के बेलने का कोशिश करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा, एकदम हल्का हाथ बेलना, देखो हो गया ना मेरा परोठा। तो तवा पहले ही मैं गैस में बिठा के रखी थी,
तवा फिलहाल मेरा गर्म हो गया, तो अभी मैं इसमें ये डालूंगी, घी डालूंगी। तो अभी मैं तवा में हल्का सा घी डालूंगी, घी का बोतल आपके पीछे ये मोबाइल के, तो ये मैं हल्का सा घी डाल दिया इसमें तवा में। मैं आप लोगों को ये परोसा बना के पहले दिखा लेती हूँ। तवा को पहले हल्का गर्म हो जाने देना, हल्का से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाने देना, उसके बाद इसमें घी लगा डाल दो, या आप चाहो तो तेल से भी बना सकते हो। हम तो परोठा घी का ही खाते हैं, इसलिए ये अभी इसमें हम परोठा को डाल दिए। चलो ये परोठा आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। गैस को ज़्यादा स्लो भी नहीं रखूँ, गैस मीडियम रखी हूँ मैं। वो चम्मच में थोड़ा सा घी था तो मैंने साइड से दे दिया। तो देख सकते हो परोठा, अगर एक परोठा खा लिया ना, कम से कम 3-4 घंटे का फुर्सत है। देखो ये मैंने पलटी मार लिया, एक साइड मेरा आधा फ्राई हुआ है तो मैंने इसको पलटी मार लिया। ये मैं भैंस का दूध का घी है, जो मैं घर में ही बनाती हूँ घी, उसका परोठा है। क्योंकि बाहर का घी खाएगा तो मेरा बेटे को कफ हो जाता है, उसको बाहर का घी बचपन से ही नहीं हजम होता है, तो इसलिए मैं घी घर में ही बनाती हूँ। तो देख सकते हो ये बन गया मेरा, दूसरा साइड भी फ्राई हो गया। ऐसे हल्का हाथ दबा दबा के चारों तरफ इसका फ्राई कर लेना, बीच में भी हल्का हाथ थोड़ा दबा देना इसको। गाइस थोड़ा गैस को कम कर दिया मैंने अभी, नहीं तो परोठा का कैसा जल जाएगा। आप चाहो तो आप इसमें आमचूर भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा आमचूर खत्म हो गया था। तो अगर आप इसमें आमचूर डालते हो तो थोड़ा खट्टापन आएगा तो अच्छा लगेगा। अगर कुछ नहीं रहेगा तो घर में कोई बात नहीं है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिर्ची और नमक बस इतना इस्तेमाल करके पनीर के साथ बना देना बच्चे लोग को। और खाने के टाइम पे थोड़ा चिली सॉस या टमाटर सॉस दे देना। ये बन गया मेरा पहला परोठा, तो इसको चलो हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही बाकी जो 3 परोठा है, चलो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। तो दूसरा परोठा में भी सेम उतना ही क्वांटिटी डालेगी मैं पनीर का डाल के। अभी दूसरा परोठा भी मैं बना लूँगी, अभी अंदर का पूर डाल देती हूँ इसमें। जैसा मैं जितना पहला परोठा में डाली थी, अभी सेकंड परोठा में भी मैं उतना शाही डाली हूँ। तो चलो फटाफट अभी इसको मोड़ लेते हैं, है ना। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि आजकल लोग बड़ा वीडियो देखता नहीं है, आगे भागा देता है, तो इसीलिए। चलो अभी सेकेंड परोठा भी मैं बना लेती हूँ। और एक बात, आप चाहो तो आप इसमें हरा मिर्ची भी काट के डाल सकते हो, तो मैं इसमें हरा मिर्ची काट के इसलिए नहीं डाला। आप बारीक बारीक चाहे तो डाल सकते हो, मैंने इसलिए नहीं डाला। मैं अगली बार हरा मिर्ची में डालती हूँ ना तो बाबू स्कूल लेके जाएगा, उसके मुंह में अगर आएगा ना फिर उसको तीखा लगेगा, इसलिए मैं 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाली। तो आप आपके हिसाब से जो तीखा चाहिए आप कर सकते हो। आप एक बार बना के खा के देखो, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम मत बनाना, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना। तो चलो मेरा और एक ही परोठा बाकी है, वो भी मैं बना लेती हूँ। फिर मुझे इधर दूध भी गर्म हो गया,
फिर बादाम भी रखा है उसको छीलना है, फिर उसको सूरज को देना भी है। तो गाइस मेरा परोठा बन गया पूरा, देखो ये पूरा परोठा रेडी है। तो चलो सूरज के लिए परोठा पैक कर लेती हूँ, क्योंकि उसको स्कूल के लिए देना पड़ेगा मुझे। पेपर जितना अपने को चाहिए इतना मैं काट लेती हूँ। मैं बोली थी एक ही परोठा इनाफ है, देखो मैं भी मेरा बेटे को एक ही परोठा दे रही हूँ। और तीन परोठा रखा है, तो हम तीनों बच्चे हैं, उसका पापा, मैं और मेरा लड़की। तो ये देखो अभी इसको हम ऐसा पैक कर देंगे, तो ये ज़्यादा टाइम गर्म रहेगा। ओके दोनों साइड ऐसा मोड़ दूंगी मैं। ऐसे देख के लग नहीं रहा जैसे ट्रेन में हमको रोटी मिलता है ऐसा लंच के साथ में। तो ये हो गया मेरा सूरज का डब्बा पैक। तो अब चलो बादाम छील लेती हूँ, दूध मेरा गर्म करके उसके लिए रेडी है ये। तो अभी मैं उसके लिए बादाम छील लेती हूँ, फिर वो स्नान करने को गया जैसे आता है फिर उसको बादाम और दूध दे देती मैं जैसे। चलो परोठा तो मेरा रेडी हो गया, अभी मैं बादाम छील लेती हूँ। मैं ऐसा तैसा मतलब ये रहा बादाम, कच्चा बादाम जो मैं कोई कोई इसको काट बादाम भी बोलते हैं बंगाली लोग, कोई आमन भी वो बोलते हैं। तो ये बादाम मैंने रात को भिगो के रखती हूँ, सुबह सात सात बादाम और मतलब सात बादाम ले इसको, सात बादाम लड़की को। तो बादाम दे देती हूँ और एक गिलास दूध देती हूँ, ऊपर का अगड़म बगड़म मैं देती नहीं हूँ। तो अभी बाबू भी मेरा दूध पिएगा, दूध के साथ में ये बादाम खाएगा और स्कूल चला जाएगा। फिर जब स्कूल में उसको 9 बजे का टिफिन टाइम होगा तभी बाबू मेरा परोठा खाएगा और फिर 1 बजे घर पे आ जाता है। तो गाइस मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर रेसिपी अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करना, अच्छा लगेगा आई होप। तो परोठा खाने के साथ में थोड़ा इसको ना टमाटर सॉस के साथ खाना अच्छा लगेगा, थोड़ा खट्टा मीठा रहता है ना, इसीलिए। आप चाहो तो शाम के नाश्ते में भी कर सकते हो या रात का डिनर में भी आप ऐसा बना के खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो ये खाली टिफिन के लिए आप बना सकते हो। तो अभी मेरा सूरज का चलो स्कूल टाइम हो गया, उसको पानी का बॉटल भी अभी तक मैं भरी नहीं हूँ, तो चलो अभी उसको पानी का बॉटल भी भर लेती हूँ और ये बादाम भी मैं फटाफट छील लेती हूँ। बादाम के मैं जैसे सूख जाता है ना, पानी कम हो जाता है इसमें से, तो देखो छिलका निकलने में दिक्कत हो जाता है। फिर कल देखो मैंने कल ज्योति को बादाम दिया था, खाई नहीं, ऐसे के ऐसे ख़राब किया। अभी क्या बोलेगा, बादाम कितना महंगा होता है, अभी वो फेंका जाएगा, अभी वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि कल मैंने उसको सुबह छील दिया था। तो अभी कल नहीं खाया तो अभी और क्या काम का है, कुछ नहीं है। फिर भी आने के बाद में वो अगर उसको फ्रिज में रख देती तो आज वो हम खा सकते थे, बच्चे को नहीं देते हम खा लेते हैं, लेकिन वो ऐसे ही बाहर पड़ा था, तो अभी वो कुछ काम का नहीं है। तो चलो मेरा बादाम भी छील लिया मैंने और 2-4 है छील लेती हूँ और बाबू के लिए डब्बा भी पैक कर लेती हूँ। चलो तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। तो अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, हम लोग अभी बस का टाइम हो चुका है, तो चलो चलते हैं। तो जैसे को देख सकते हो लेट हो गया सूरज को, और ज़्यादा लेट होगा तो फिर बस छूट जाएगा। तो चलो सूरज को जाके छोड़ के आते हैं। ये है हमारा पप्पा, हम लोग चढ़ते उतरते इनका दर्शन करके जाते हैं। ये पप्पा चलो हमारे साथ में। तो जैसे कि चलो रास्ते में हम आ चुके, देख सकते हो सुबह के टाइम कितना अंधेरा है, फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है इधर आप लोगों को, खाली मेरा आवाज़ ही आ रहा होगा बराबर ना। रास्ता भी बहुत अंधेरा है इधर मुंबई में, तो कम से कम तो 7 बज जाता है सूरज निकलते निकलते। तो मैं अपना सूरज जा रहा है उसको बस में बिठाने के लिए, आगे उसका बस खड़ा है। चलो
अभी के लिए फिलहाल सूरज टाटा बाय बाय, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नए हों तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना।